हाय एवरीवन, मैं हूं हर्षल अग्रवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आरआरबी पीयू का एग्ज़ाम आपके सामने आ रहा है, बस आरआरबी क्लरिकल का एग्ज़ाम्स भी आ ही रहा है, और ये दोनों एग्ज़ाम जब सामने हैं तो अब लास्ट के कुछ 10-15 दिन बचे हैं, तो इस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मॉक्स तो लगातार लगा ही रहे हैं, मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, वेरी गुड है। दिन का एक मॉक तो आपको एटलीस्ट देना ही चाहिए, कभी कभी आप दो मॉक भी दे सकते हैं, जैसे कभी आपकी क्लासेस बिल्कुल ना हो, जैसे संडे सैटरडे को जनरली क्लासेस नहीं होती हैं, या फिर आजकल बहुत कम क्लासेस चल रही हो अगर, तो आप लोग वहाँ पर दो मॉक भी दे सकते हैं। अदरवाइज एक मॉक आप देने की डेली कोशिश कीजिए और उसका प्रॉपर एनालिसिस जरूर कीजिए। एनालिसिस का मतलब ये है कि मेरा मतलब ये रहता है कि मॉक तो जैसे आप देते हो, अब होता क्या, मॉक में मान लो 80 में से आपका स्कोर आया 62, मान लो एक बार के लिए 62 है, कोई भी एक्सवाइजेड आपने मॉक दिया है, तो आपका फोकस ही 62 नहीं, आपका फोकस है 18 नंबर है, 18 नंबर को आप क्लासीफाई कर लो अलग अलग कि यार मैंने क्वेश्चन मिस किया है जानबूझ के, क्योंकि वो लेंदी था, तो वो वैलिड रीजन है, वो आप एग्जाम में भी करोगे, और ये बहुत अच्छी चीज है कि आपने लेंदी क्वेश्चन स्किप कर दिया, वेरी गुड, आपको करना भी चाहिए, एग्जाम में लेंदी क्वेश्चन फंस जाओगे, बाकी कैसे कर पाओगे। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जानबूझ के एग्जामिनर ऐसा सेट करके देगा जो आपसे नहीं हो सकता, वहां पर होना ही नहीं है उस टाइम फ्रेम में, मैं भी नहीं कर पाऊंगा शायद वो क्वेश्चन, कुछ जानबूझ कैसे डाले जाएंगे। कुछ क्वेश्चन होते हैं लैक ऑफ नॉलेज, ये आपके लिए खतरे का निशान होता है, ये आपको जानना है एनालिसिस से कि मान लो आपको वहां पर आ गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया, वहां बोल दिया कि आपको क्वार्टरली आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है, और आपको क्वार्टरली का फंडा नहीं पता था कि भाई 1/4 क्या करते हैं, 4 टाइम्स क्या होता है, टाइम होता है, रेट होती है, ये आपको नहीं पता था, तो ये आपके लिए खतरे का निशान है। ये आपको तुरंत उसी दिन क्या करना है, रिवाइज कर लेना है अपनी थ्योरी जाकर, अपने जिस भी सर या मैम से आप पढ़ते हैं उसको आप रिवाइज कर लो जाके, ठीक है। या फिर मान लीजिए सिलॉक्स का कोई क्वेश्चन आ गया मान ले, और वहां पर वो आपको आता था, आपने अपनी तरफ से कर दिया मगर आपका नेगेटिव हो गया, तो उसको तुरंत जाके अपने टीचर से कंसल्ट करो, आपके टीचर्स उम्मीद आपसे डाउट्स लगातार डिस्कस करते होंगे क्लास में, जो भी आपके टीचर्स हैं उनसे तुरंत आप जाकर बोलो कि भाई हमारे को ये आता था, ये आपने पढ़ाया था ये हमसे डिस्कस भी हुआ था, अब मॉक में जाके गलत हो गया, तो वो बताएंगे कि भाई मॉक में गलत दिया है, या फिर उनसे कुछ क्लास में अलग चीज थी आपने गलत पढ़ लिया है, जो भी चीजें हैं, तो आपको ये सब क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपके साथ होनी चाहिए। तो मॉक टेस्ट को इस तरह से आप प्रॉपर एनालाइज करो, कुछ चीजों को आपको देखना पड़ेगा कि यार ये 3 क्वेश्चन में और कर सकता था अगर मैंने ऐसा किया होता। जैसे कई बार क्या होता है, मान लीजिए कोई डीआई है, ठीक है, अब एक डीआई में मान लो 5 क्वेश्चन थे, उसमें से 4 क्वेश्चन बहुत लेंदी थे, और आपने 1 या 2 क्वेश्चन छोड़ के हटा दिया काम, और 5वां क्वेश्चन भी आपका छोड़ गया, 5 मान लो पाई चार्ट का डीआई था, बहुत लेंदी सा डीआई था पाई चार्ट में, आपने 4 क्वेश्चन उसके देखे बहुत लंबे लंबे, आपने डीआई को छोड़ दिया, 5वां मान लो था व्हाट इज द सेंट्रल एंगल फॉर सी, और सेंट्रल एंगल में सिंपल आपको परसेंटेज एंगल निकालना था, वो क्वेश्चन छोड़ दिया, तो ये एक क्वेश्चन डुएबल था जो आपने शायद नहीं देखा होगा इसलिए छूट गया। तो ऐसी चीजें भी, माइन्यूट चीजें नोटिस करो, या फिर आपको पता लगे कि यार मैं इस डीआई में उलझा रहा क्योंकि मुझे किसी सयाने आदमी ने बोल दिया था कि यार डीआई करना, अर्थमेटिक मत करना, डीआई तो बहुत हो जाती है, अर्थमेटिक नहीं होती है वहां पर जाके, और आप डीआई में लगे रहो, पता लगा एक लेंदी डीएम चक्कर फंसे हुए, 3-4 क्वेश्चन अर्थमेटिक के छूट गए, जो बहुत एकदम पुच्चू पुच्चू क्वेश्चन बोलते हैं ना, बहुत ईजी क्वेश्चन थे, वैसे छूट गए, इसमें डीआई में एक क्वेश्चन बना आपसे और टाइम खत्म भी हो गया। तो ऐसी गलतियां नोटिस करो मॉक के एनालिसिस के वक्त, हालांकि वीडियो इस पर नहीं था मगर मैंने आपको मॉक एनालिसिस एक बार शॉर्ट में बता ही दिया है, ठीक है। अब लास्ट के दिनों में क्या होता है, देखो देखो क्वांट में और रीजनिंग में, आरआरबी की बात करूं दो ही सब्जेक्ट है, अब आपके पास जो रीजनिंग है, रीजनिंग में तो आपके पास कोई थ्योरेटिकल चीज तो है नहीं, रीजनिंग में तो आपको प्रैक्टिस करनी ज्यादा ज्यादा, चाहे पजल्स हो चाहे मिसलिनियस क्वेश्चन हो, जो ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सिलॉक्स प्रैक्टिस करनी ज्यादा ज्यादा, सिलॉक्स का मैं मान सकता हूँ थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, अदरवाइज तो कोई थ्योरी नाम की कोई चीज है नहीं रीजनिंग में आपके पास। तो जब मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्वांट में जो अर्थमेटिक के चैप्टर्स है ना दोस्तों, अर्थमेटिक में जो भी फंडा आपको वीक लग रहा है उस टॉपिक को जिससे भी आपने पढ़ा है उससे जाके रिवाइज करो जाके उसकी क्लास में। जैसे मान लीजिए आपको दिक्कत आ रही है मिक्सचर में, सर वो डबल रिप्लेसमेंट थर्ड रिप्लेसमेंट हो रहा है ना, तो मैं जाके फंस रहा हूँ, तो जिस भी आप एजुकेटर से पढ़ते हैं उनकी क्लास में जहां भी आपने बेसिक पढ़ा था या नोट्स बनाए थे जाकर तुरंत रिवाइज कर लो कि वो पोर्शन क्या है। अर्थमेटिक ही ऐसा पोर्शन है जिसकी थ्योरी के नाम पर अभी आप पढ़ सकते हो, जिसकी नॉलेज के नाम पर आप पढ़ सकते हो, बाकी तो सब कुछ प्रैक्टिस है। अब डीआई की तो कोई थ्योरी होती नहीं, डीआई का तो फंडा होता है आपको पता है, आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, स्पीड मैथ में कहीं की थ्योरी लगाओगे, रीजनिंग में थ्योरी लगने रही, तो अर्थमेटिक में जाके जो भी क्वेश्चन में अटक रहे हो उसका फंडा जाकर पढ़ लो। ऐसे पूरा पूरा फंडा पढ़ने बैठोगे, पूरी पूरी अर्थमेटिक पढ़ने बैठोगे नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि बोरिंग लगेगी और लगेगा 15 दिन बाद एग्जाम में कैसे पढ़ूं। तो जहां भी मॉक में या क्लासेस में जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस सेशन कर रहे हो, मॉक सेशन अटेंड कर रहे हो लाइव यूट्यूब पर या फिर अनअकैडमी पर, तो जब भी किसी पोर्शन में अटकते हैं जाकर तुरंत उसका बेसिक जाकर सर्च कर लीजिए, देख लीजिए, और इस तरह से आप काम तैयार कर लीजिए। तो अंतिम 10-15 दिन मुझे लगता है कि अगर इन अप्रोचेस से आप काम करते हैं तो मुझे लगता है आपको बेहतर सफलता मिल सकती है। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो जनरली डिस्कस नहीं हो पाती है, मगर इन छोटी बातों में बहुत ज्यादा आपको इंप्रूवमेंट का एक गुंजाइश होती है, इंप्रूवमेंट के कुछ पॉइंट्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, और मेरी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को इस तरह की चीज़ें बता दी जाएं टाइम टू टाइम,
तो ये थी मेरी तरफ से बातें कि आरआरबी पी और क्लरिकल के एग्जाम से पहले आपको किस तरह की चीज़ें आपको आनी चाहिए, किस तरह की चीज़ें नहीं आनी चाहिए और क्या क्या आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं डाउट्स और आपकी वीडियो इस तरह के बना दूंगा ताकि आपके डाउट्स और भी क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। मेरा नाम है हर्षल अग्रवाल, जो लोग मुझे नहीं जानते हो, मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ और यहाँ पर मैं अनअकैडमी पर भी हूँ, यूट्यूब पर मेरी बहुत सारी क्लासेस, यूट्यूब पर आई थिंक 1000 से ऊपर वीडियोज़ हैं मेरे, 1000 नहीं, इनफैक्ट 1300-1400 बोलना चाहिए अभी तो मेरे को, यस। यूट्यूब और अनअकैडमी पर लगातार पढ़ा रहा हूँ, अनअकैडमी पर मेरी ये प्रोफाइल है, इसे आप यदि आप फॉलो कर लेंगे तो मेरी सभी फ्री और पेड क्लासेस की जो लिंक्स हैं, जो नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ जाया करेंगे और कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। साथ ही साथ दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरी सभी क्लासेस की लिंक्स आपको यहाँ मिल जाती हैं। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप @ हर्षल अग्रवाल ग्रुप नाम से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ये आपको आईडी है टेलीग्राम ग्रुप की और नाम है लर्निंग कैप्सूल हर्षल अग्रवाल, तो टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अनअकैडमी पर आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, इंडिविजुअली भी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन मेरा अवेलेबल है, इन्फिनिटी कोर्स नाम से अनअकैडमी पर इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन है जहां पर क्वांट और क्रिटिकल रीजनिंग कंप्लीट मैं पिछले 2 साल में अनअकैडमी जितना पढ़ाया है वो भी मिल जाएगा और अगले 1 साल में जो भी लाइव पढ़ाऊंगा वो भी मिल जाएगा। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं इसमें, सारी क्लासेस जितनी भी आज तक मैं लिए क्वांट और क्रिटिकल रीजनिंग की या आगे 1 साल लूंगा सब अवेलेबल है, लगभग 1700-1700 घंटे का कॉन्टेंट इस बैच में आपको अवेलेबल हो जाएगा, अलॉन्ग विद ऑल द PDFs रिकॉर्डिंग सब कुछ मिल जाएगा और लेटेस्ट पैटर्न का कॉन्टेंट मिलेगा जैसा कि आजकल बैंक एग्जाम्स में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये मेरा देख लीजिए इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन है, ये अनअकैडमी का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है, जो कोड आपको लगाना होता है वो है LC100, इससे कोई भी सब्सक्रिप्शन ले अनअकैडमी का ये कोड आपके लिए वैलिड हो जाएगा। तो यही थी मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, आरआरबी पी और क्लरिकल में सिलेक्शन आपका वेट कर रहा है, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, जो भी आपके डाउट होंगे रिलेवेंट लगेंगे मेरे को उन पर आगे भी मैं इस तरह के वीडियोज़ बना दिया करूँगा। थैंक यू सो मच।